हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दक्ष ब्लॉग। तो आज जो है, आज हम जा रहे हैं करोल बाग में। लगी मैं तो मुझे थोड़ा सा काम था करोल बाग में, आज़ाद मार्केट जो अपने वो लगी कैंपिंग से रिलेटेड जो वहाँ पे सामान वगैरह मिलता है, टेंट वगैरह जो मिलते हैं। और तो भैया क्या ट्रैफिक हो रहा, बारिश आ रही है इतनी तेज़, बारिश ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, बारिश आ रही है, बारिश मतलब और बढ़ गई है बारिश। मैं यहाँ स्कूटी लगा के साइड पर रुका हुआ हूँ, बारिश तब तक नहीं रुक जाती, थोड़ी धीमी नहीं हो जाती रुकने का, तो मुझे नहीं लगता कि यह बारिश आज रुकेगी। फिर भी अगर धीमी हो जाती है फिर मैं निकलता हूँ। वैसे तो मैंने रेनकोट लाया हूँ, मैं रेनकोट पहन के निकल जाऊँगा। अब थोड़ी धीमी हुई है बारिश, अब निकले हैं यहाँ से बाजार मार्केट से चल चलते है। लेकिन मैंने कुछ सामान वामान लिया, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या सामान लिया है कैंपिंग से रिलेटेड, और मतलब कि बाइक से रिलेटेड मैंने क्या सामान लिया वो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आज़ाद मार्केट से अगर आप सीधा सीधे एंड में आ जाते हो, बिल्कुल ये पुलिया जो है रेलवे का पुल है, जो ऊपर ये मिठाई पुल के नाम से फेमस है, अगर यहाँ पर आते हो यहाँ पर आपको जो उनकी सारी दालें वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो आपको मिल जाएंगे। और ये जो मार्केट है, ये पूरी दाल और ये पूरे पुल पे मतलब कि दाल वालों की दुकान है, दाल वालों की, और ये जो है ड्राई फ्रूट वालों की दुकानें हैं यहाँ पे। ये इसके नीचे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये पूरी जो है मार्केट है दाल वगैरह की मार्केट है। तो अगर आपको आना है यहाँ तो आ सकते हो। तो मैं ज़्यादा मार्केट से वापस सदर के लिए निकल ही रहा था काम ख़त्म करके, और यहाँ पर देखा कि भाई ट्रैफिक वाले मामा ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्कूटी बाइक उठा रही है नो पार्किंग में से। और अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ भाई सदर में, सदर में भी उल्टा हिसाब किताब हो रहा है। मैंने सोचा था भीड़ नहीं मिलेगी, और भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि भाई चलना मुश्किल हो रहा है। एक तो भाई ऑटो वाला नहीं चल रहा, उसको बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ, चले नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, आगे इसके खाली पड़ा है। पर ये है ना, पैसेंजर देख रहा है अपने कि भाई सवारी वर मिल जाए, और भाई निकल के राजी नहीं है ना निकलने दे रहा, उसको फ़ोन दे रहे जा रहा हूँ इतनी देर से, ना निकल रहा है ना निकलने दे रहा, पता नहीं क्या चाह रहा है। अबे भाई चला ले इसको, चला ले या निकल जान दे। अभी साइड में से जगह आएगा, अगर मैं इधर को लूँगा तो फिर को बैठ देगा ये, लेफ्ट में लूँगा लेफ्ट में जा रहा, राइट में लूँगा राइट में जा रहा, निकलने नहीं दे रहा इतनी देर से। एक तो ई रिक्शा वाले थे ट्रैफिक का, तो ऊपर से ऑटो वाले, यहाँ तो भाई आने का मन ही नहीं करता। अगर एक आध सामान लेना होता तो मैं आता ही नहीं, अभी इसने साइड दी है।
चलोगे फिर कोई ना कोई मिल जाएगा। ये देखो देखो चचा को कैसे बिना देखे आ रहे हैं, हंस के और दिखा रहे हैं यार। चलाने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है लोगों को, देखता ही नहीं आजू बाजू कोई है। अभी ये चचा मिल गया, अभी ये होंडा सिटी वाला बीच में पता नहीं क्या डिग्गी के सामान लगा रहा है, डिग्गी में बीच रोड पे। फाइनली अब निकले हैं यहाँ से, अब थोड़ा लग रहा है कि भाई सदर के बाहर निकले हैं। ये पूरी सीधी बाहर ही जा रही है, फ्लाई ओवर जाता है वहाँ पे सदर के बाहर जा रही थी। और यहाँ पे जो है ना ये टायर वगैरह आप रखे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सेकंड हैंड और नए टायर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको बाइक या कार के अलॉय व्हील या पुराने टायर वगैरह या सेकेंड हैंड अलॉय व्हील चाहिए, सेकेंड हैंड टायर वगैरह चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इजीली अच्छे रेट पे सही रेट पे मिल जाएंगे। पर सेकेंड हैंड टायर लेने नहीं चाहिए, मतलब कि इतने वो चलने वाली चीज़ नहीं होती है जितने नए टायर होते हैं। पर हाँ, अगर आपको थोड़े टाइम तक गाड़ी रखनी है या फिर आप कम चलाते हो तो आपके लिए सही है। अगर आपका कार का या बाइक का यूज़ ज़्यादा है, अगर टूर वगैरह मारते हो तो आप नए टायर लगवाओ, पुराने का कोई मतलब नहीं है, वो कब साथ छोड़ दे कोई कुछ नहीं कह सकते उसका। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ सदर से बाहर, अब चलते हैं घर को। सामान तो मैंने ले लिया है, कुछ लिया कुछ नहीं मिला, बाकी अगली बार देखेंगे। बल्कि संडे को भी फिर आना पड़ेगा मेरे को सामान वामान लेने के लिए। मैं बेसिकली क्या लेने आया था, दिवाली आ रही तो मतलब कि मैं डेकोरेशन के लिए लाइटें वगैरह लेने आया था, वो तो मतलब कि मेरे को इधर मिली नहीं। अब मेरे को अगले संडे जो है चांदनी चौक जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, अगर यहाँ मिल गई तो ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अगले संडे को मेरा आना होगा, क्योंकि भाई अभी इतनी भीड़ है, अगले संडे को अगर बारिश नहीं हुई तो भाई कोई मतलब ही नहीं है आने का। अगर स्कूटी लेके मैं आता हूँ तो ना सामान मिल जाएगा, ऊपर से मैं तो लगेगी आने जाने की, इससे बढ़िया मैं चांदनी चौक चले जाऊँगा, वहाँ पर मेरे को मतलब कि सामान भी मिल जाएगा, लाइटें भी मिल जाएगी और मेरा काम होगा, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा मेरा। और अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं और बारिश नहीं रुक रही है, और लगभग लगभग 2 के आसपास टाइम हो गया है, हाँ 2 के आसपास टाइम हो गया है, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। बाकी देखते हैं कैसे होता है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ भगवान बारिश बंद कर दे, 2 दिन से बारिश नहीं रुक रही है, ना कुछ काम हो रहा है, ना कहीं जा पा रहे, ना आ पा रहे, ना वीडियो बन पा रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, सारे काम पेंडिंग पड़े हैं बारिश की वजह से। स्कूटी अभी धुलवाई थी फिर गंदी हो गई, बाकी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। और फ्रेंड्स, मैं जो मोटो ब्लॉग करता हूँ वो भी कोई मैं किसी भी एक्शन कैमरे से जो ब्लॉग नहीं करता हूँ, अपने जो नॉर्मली फ़ोन होता है फ़ोन से ब्लॉग करता हूँ। तो अभी बारिश में जो मेरा पूरा फ़ोन जो है भीग चुका है, तो फ्रेंड आप जो है वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, अगर अगर वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि फ़ोन बेर है कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने के लिए, और कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, जय हिंद जय भारत।